अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैंने इस अपने बजीज पैरट के बेबी को, बच्चे को यानी रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू यानी एक दफ़ा बस खुराक खिलाऊंगा और फिर मैं उसको उसकी यानी हो सकता है उसकी हाला भी हो और उसकी बहन भी हो, ठीक है। इसकी जो ये जो बच्चा है मेरे पास, तो क्या हुआ जी, इसका जो बाप था वो मर गया, ठीक है। उसको पता नहीं अचानक से क्या हुआ है, वो ना टक्का रहा यानी उसकी डेथ हो गई है। फिर इनकी जो माँ थी वो खिलाती है थी, लेकिन बस इनको ज़िंदा रखने के लिए इसके से कुछ नहीं था फिर भी, क्योंकि दूसरे जो थे वो बहुत बड़े थे। दो इसके जो बहन या भाई हैं जो, वो दो हैं और वो बहुत बड़े हैं इससे, ठीक है। और बाकी जो सीन है जी, इसको मैंने रख दिया इसकी हाला या बहन के पास, ठीक है। वो फिर इसको पालने लग गई। अभी इसको ये छोटा है और अभी इसको हीट की भी ज़रूरत है, लेकिन जो है ना इसको हीट मिल नहीं रही, क्योंकि वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी, तो ये इसको भी वो इसको भी नीचे ले लेती थी। अब वो बड़े बच्चे हैं तो उसको ये है जी, वो जो दो फिर बच्चे थे वो भी हमने उसी के पास रख दिए थे। उसकी माँ उनको बहुत कम खाना खिलाती थी बस जिंदा रखने के लिए, वो शोर बहुत मचाते थे। फिर हमने पहले हैंड फीड बार उठाया और फिर क्या हुआ जी, कोई ना हमसे संभले नहीं थे जा रहे। और फिर हमने क्या किया जी, उनको हाला के पास रखा, उनकी यहाँ सिस्टर के पास, तो उसने एक्सेप्ट कर लिए। फिर अब ये बेचारा छोटा सा है, इसके वो ही सब कुछ खा जाते हैं, इसको खिलाते हैं, वो भी खिलाते हैं, बच्चे भी खिलाते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा भी है इस तरह बहुत ना मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। बहुत ना इसको भी हीट की भी ज़रूरत है, जो इसको इसकी माँ से नहीं मिल रही। छोटा भी बहुत है उनकी निस्बत, यानी इनमें तकरीबन 2 दिन का फ़र्क है और बहुत छोटा है उनसे, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने इसको खिलाऊंगा सीरी लैक है, ये मैंने सीरी में बाहर रखा है, इसको मैं खिलाऊंगा। तो थोड़ी देर फिर हम इसको कपड़े में रखेंगे ताकि इसको हीट मिल सके, फिर बाद में हम इसको थोड़ी देर बाद हम उसको इसको उन्हीं के साथ इसके बहन भाई के साथ रख दें। तो ये अभी थोड़ा सा मैं पहले खिला चुका था और मैंने फिर कहा चलें ये दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। अभी ये थोड़ा सा ना इसका पेट बड़ा हुआ थोड़ा सा, लेकिन और थोड़ा सा खिलाना है क्योंकि थोड़ा इसका कुछ घंटे निकल जाए। तो ये खा रहा है। अभी मैंने इसको कपड़े में रखा हुआ है क्योंकि इसको हीट की ज़रूरत है, अंदर से ही गर्म हो रहा होगा। बस इसका सार मैंने बाहर रखा है ताकि इसको जो है मैं खिला सकूँ, अंदर से ये हीट अप होता रहेगा। अभी इसकी आंखें बंद हैं इसलिए इसको पहचान नहीं है मैंने इसकी, जिस तरह यानी फीमेल पैरट इसको या मेल पैरट इसको, यानी इनके पेरेंट इस तरह मुंह पे चूँच अपनी लगाती हैं, ये अपना मुंह ओपन कर लेते हैं यानी खाने पीने के लिए। इस तरह मैंने अपने उंगलियों से इसको किया तो ये फ़ौरन ऐसे उठा कि मुझे कोई खिलाए पिलाए। तो फिर मैंने इसको सीरी लैक खिलाना अभी शुरू किया है। अब थोड़ा सा खिलाएँगे और फिर आपको भी दिखाएँगे कि कितना सा पेट हमने इसका भर दिया। बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, यानी ना समझ रहे हैं आप इसको, बहुत ज़्यादा ना चुका है। अभी अंदर ये जो मटकी होती है उसके अंदर इस तरह इन्होंने बीठे की हुई है, मैंने ऊपर से बंद किया, मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। ऊपर मैंने इनका ढक्कन रख दिया मटकी का और वो जो है जी अंदर कीचड़ कीचड़ हो गया इनकी बीठों की वजह से। तो अब देखते हैं क्या बनती है इसके साथ, अल्लाह करे बच जाए, क्योंकि ठंडा बहुत हो चुका है, इसको हीट की अभी ज़रूरत है। तो अभी मैं यहाँ खिला लूँ फिर आपसे मिलते हैं। इसको मैंने कल देखा था, कल इतनी अच्छी सेहत थी इसकी, यानी अच्छा खासा यानी सेहतमंद लग रहा था, लेकिन अब देखा तो बिल्कुल सूखा सा है, यानी सूखा हुआ है और क्या है जी ठंडा हुआ पड़ा है। इसको बहुत हीट की ज़रूरत है। फीमेल भी अभी अंदर नहीं जा रही, जो इसकी बहन है या सिस्टर बहन है या हाला है इसकी, जो वो भी इसके यानी मटकी के अंदर नहीं जा रही, इसको नीचे नहीं ले रही। अंदर कीचड़ भी बहुत हो चुका है इनकी बीठों की वजह से, तो मैंने बूरा डाला फिर अंदर ताकि वो जो बीठे वगैरह बूरे में मिक्स हो जाए और क्या सीन है जी, गंद वगैरह और कीचड़ वगैरह उसमें ना हो। तो ये काफ़ी हद तक मैंने इसको खिला दिया, अभी हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से थोड़ा सा आगे से बेहतर हुआ है, थोड़ा सा ना यानी गर्म हो चुका है आगे से थोड़ा। तो
ओ तेरी हैर है, ये देख सकते हैं आप जी, इसको मैंने खिलाया अभी और इसने मुझे गिफ्ट दे दिया, फायदा देखें इसका। ओए ओए अब मैं साफ भी नहीं इतनी जल्दी खा सकता। चले ये भी थोड़ा सा इसको और खिलाते हैं। इसको मैंने अभी हाथ लगाया तो ये कोई नहीं, यानी वो चीज़ नहीं मांग रहा, तो थोड़े थोड़ा सा बिल्कुल हम इसको और थोड़ा सा खिला देते हैं ताकि थोड़ा इसका ज़्यादा सा पेट भर जाए, क्योंकि इसको यानी अभी भूख की जो है ना नहीं रही, जो खाने की है ना वो नहीं रही, इसकी भूख नहीं मिटी होगी क्योंकि इसको इतना हौसला होगा कि ये बच जाएगा। ठीक है तो अब हम ये बिल्कुल अपना चुप होकर बैठ गया, ठीक भी मैंने इसको कपड़ा रख के ऊपर फूंके मारियाँ गर्म गर्म। यही बताना था कि आप भी इस तरह कर सकते हैं, अगर आपका भी कोई बजीज पैरेट है फीमेल वगैरह, इस तरह की कोई हरकत हो जाती है, कोई ऐसा मामला हो जाता है कि खिलाना पड़ रहा है, तो ये देख सकते हैं आप ना खुद भी ये कर सकते हैं। आपके अगर बजीज पैरेट को किसी को मसला इस तरह का हो जाता है कि हैंड फील्ड पर उठाना चाह रहे हैं, तो जो महंगी होती है वो ना लें, कम से कम सी लैग ले लें, क्योंकि इसमें विटामिन ABA, DA, AB इस तरह बहुत सारे विटामिन, पोटाशियम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये इससे थोड़ी सी ग्रोथ का मसला ज़रूर होगा, लेकिन जो है ग्रोथ इनकी हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे। ओके तो ले जी, ये देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक आगे से ना थोड़ा बेहतर हुआ हुआ है, ये इसको हर जगह पे बीठे ही लगी हुई हैं। ठीक है, इसके मुंह पे भी लगी हुई थी, मुंह के अंदर भी गई हुई थी बीठे, तो ये पोटी करने लगा शायद, तो इसको मैंने कपड़े के अंदर रखा था, काफ़ी हद तक आगे से बेहतर है। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।